हे गाइस, मैं हूँ तुम्हारे साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। आज हम इस वीडियो में एक नया लेक्चर लेने वाले हैं, एक नया टॉपिक लेने वाले हैं और वो जो टॉपिक है वो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं? तो हम करने वाले हैं भारत का स्वाधीनता संग्राम। ठीक है, किस टॉपिक पर बात करेंगे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान, कांग्रेस की स्थापना, उदारवादी आंदोलन, ये सारी चीज़ें इसमें क्या होंगी, शामिल होंगी। तो इनको भी कोष्टक में आप लोग लिख लेना। जैसे राष्ट्रवाद का उत्थान, कांग्रेस की स्थापना, उदारवाद आदि। ठीक है, तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रवाद का उत्थान, कांग्रेस की स्थापना और उदारवाद, इनके ऊपर आज हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस क्रांति के बाद शासन व्यवस्था जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल के कहाँ चली जाती है, ब्रिटेन की महारानी के पास चली जाती है। तो उसके बाद ब्रिटेन की महारानी के बाद आप लोगों को मालूम है इलाहाबाद में क्या की गई थी, एक घोषणा पत्र जारी किया गया था और घोषणा पत्र में बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें भारतीयों के साथ की गई थी, लेकिन उनको पूरा नहीं किया गया। जब उनको पूरा नहीं किया गया तो उससे क्या हुआ, भारतीयों ने कुछ साल तो इंतजार किया क्योंकि आदत है, और जब इंतजार करते करते बहुत ज़्यादा समय बीत गया तो भारतीयों को लगा कि अंग्रेज भी क्या हैं, हमारे साथ झूठे वादे करते हैं। तो उनको उनके प्रति क्या हुई, नफरत की भावना पैदा हो गई कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है, छल कपट किया है और अब हम इनकी बातें जो हैं वो नहीं मानेंगे। तो उसके बाद जो भी आंदोलन होता, जो भी विद्रोह होता, जो भी नेता समझाने आते थे तो वो लोग उनकी बातें नहीं मानते थे। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, ठीक है, ये आपका अध्याय का नाम है, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर हम इसके ऊपर एक एक पॉइंट को लेके बात करेंगे। तो कौन से कालखंड को माना जाता है, तो 1857 से लेके 1947 तक का काल क्या माना जाता है, स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम का क्या माना जाता है, काल माना जाता है कब से कब तक, 1857 से लेकर 1947 तक। अब इस कालखंड में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है राजनीतिक एकीकरण। सबसे पहला कब क्या पॉइंट है, देखिए मैं पॉइंट लिखूंगा उनके बारे में आपको बताऊंगा फिर, है ना। राजनीतिक एकीकरण यानी कि 1857 की क्रांति से पहले भारतीयों के अंदर जो राजनीतिक एकीकरण है वो बिल्कुल नहीं था। क्या नहीं था, राजनीतिक एकीकरण का अभाव था। लेकिन जैसे ही 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घटित होता है उसके बाद एक राजनीतिक एकीकरण की जो अलग है लोगों के बीच देखने को मिली, फिर कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, उसके बाद विभिन्न दल और विभिन्न संगठन जो हैं वो अपने अपने माध्यम से एकता दिखाने लगते हैं। तो इस प्रकार भारत में राजनीतिक एकीकरण स्थापित हो गया, और जब राजनीतिक एकीकरण स्थापित हो जाता है तो वो स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है, अदा करता है। अंग्रेजों के सामने सबसे पहले अच्छी बात ये थी कि भारत के अंदर एकीकरण का अभाव था। अगर पहले ही एकीकरण भारतीयों के अंदर होता तो ये सब कुछ जो हुआ वो नहीं होता। ठीक है, तो राजनीतिक एकीकरण, अब देखिए राजनीतिक एकीकरण के बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो था धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, धर्म सुधार आंदोलन। आप लोगों को मालूम है
कि हमने पिछले बार पिछली जो क्लास है उसी में धर्म सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा की थी। तो धर्म सुधार आंदोलन से ऐसा क्या हुआ जो राजनीतिक या भारतीय स्वतंत्र संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इससे लोगों के अंदर राजनीतिक जो चेतना है उसका क्या हुआ, विकास हुआ, लोगों में राजनीतिक चेतना जो है वो क्या हुई, जागृत हुई। ठीक है, तो उस राजनीतिक चेतना और राष्ट्र के प्रति भावना का विकास ही स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोग जिन बुराइयों के अंदर डूबे हुए थे, जो बुराइयां लोगों के अंदर छिपी हुई थी, उनसे वो क्या आते हैं, बाहर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए धर्म सुधार आंदोलन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब देखिए इसके बाद प्रजातीय विभेद की नीति, कौन सी नीति, प्रजातीय विभेद की नीति, यह क्या है। प्रजातीय विभेद की नीति से सीधा सा मतलब आप लगा सकते हैं कि जब अठारह सत्तावन की क्रांति हुई थी तो उस समय भारतीयों से क्या कहा गया कि तुम्हें जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें स्थान दिया जाएगा, लेकिन बाद में नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थिति से इनके अंदर ये भावना उत्पन्न हो गई कि हमारा जो जाति है, हमारा जो वर्ग है, उसको नौकरियों में शामिल नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो इससे प्रजातीय विभेद की नीति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, चलिए दिख रहा है नीचे तक, चलिए एक पॉइंट लिख देते हैं। राजनीतिक संस्थाओं का योगदान, ठीक है, किनका योगदान, राजनीतिक संस्थाओं का योगदान। इससे क्या मतलब है, इससे ये मतलब है कि बहुत सारे ऐसी संस्थाएं, यानी कि जो किसान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लोग क्या थे, जो भूमि थी उसका अधिग्रहण करना क्या किया उन्होंने, शुरू कर दिया। इसलिए छोटी छोटी राजनीतिक संस्थाएं क्या हुई, उभर के आईं, और इन्होंने अपने स्तर पर उनका क्या किया, विरोध करना शुरू किया। तो उससे जनता जो है वो क्या हुई, जागृत हुई। ठीक है, ये चार पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। देखिए आगे हम देखते हैं, इसमें आगे जो है वो है आर्थिक शोषण की नीति। ठीक है, कौन सी नीति, आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण की नीति, अंग्रेजों ने क्या किया था, भारतीयों का शोषण किया, इतने बड़े स्तर पर उनका शोषण किया था कि उनको खाना पीना भी मिलना क्या था, मुश्किल हो गया था, दो वक्त की रोटी भी उनको प्राप्त नहीं होती थी। ठीक है, तो उन आर्थिक शोषणों से क्या हुई, जनता जो थी वो अस्त व्यस्त हो गई, बहुत परेशान हो गई। तो उसे लगने लगा कि जो अंग्रेज शासन है वो भारतीयों के लिए नहीं बना, और इनका विरोध करना क्या किया, शुरू कर दिया। तो उनकी जो आर्थिक नीतियाँ हैं वो भी क्या हुई, लोगों को राजनीतिक, कौन सा, राजनीतिक या राष्ट्रीय चेतना का विकास करने में सहायक हुई। राष्ट्रीय चेतना का विकास करने में सहायक, ठीक है, तो राष्ट्रीय चेतना का विकास करने में सहायक सिद्ध हुई। तो ये हो गई आर्थिक शोषण की नीति। अब आर्थिक शोषण की नीतियां जब इनकी बेकार हुई तो जो जनता थी वो क्या हो गई, इनसे परेशान हो गई, और इनका क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद एक और नीति आई, लॉर्ड लिटन की नीति। यह क्या नीति थी, यह नीति थी, इसका मतलब यह था कि जो उम्र है, किसमें, आईएएस की जो उम्र थी, सिविल सेवा की जो उम्र थी, उसको क्या किया गया, कम कर दिया गया। कितना कम कर दिया गया, 21 से घटाकर
19 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, कितनी कर दिया गया, तो 19 वर्ष कर दिया जाता है। लॉर्ड रिपन की नीति थी 21 से घटाकर 19 साल इसको कर दिया गया था, जिस कारण भारतीयों ने इसका क्या किया, विरोध किया। ठीक है, क्या किया, इसका विरोध किया लॉर्ड रिटन की नीति का। आप देखिए, इसी चीजें जब घटित होने लगी तो लोगों को लगा कि नहीं नहीं, हमारा कोई एक ऐसा संगठन हो, एक ऐसी कोई संस्था हो जो संपूर्ण राष्ट्र का क्या कर सके, नेतृत्व कर सके। और उसी समय राष्ट्रीय कांग्रेस की भावना लोगों के मन में उत्पन्न हुई। क्या हुई, मन में उत्पन्न हुई। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद आ गया। उसके बाद क्या आया, इल्बर्ट बिल विवाद। अब ये इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूं कि इल्बर्ट बिल जो विवाद था वो क्या था। इल्बर्ट बिल विवाद का सीधा सा मतलब था कि जो अंग्रेज अधिकारी हैं, अगर वो कुछ उल्टा सीधा करते हैं तो उनके मामलों की जो सुनवाई है वो केवल अंग्रेज अधिकारी कर सकता है, एक भारतीय न्यायाधीश उनकी सुनवाई है उसको नहीं सुन सकता। तो उससे भारतीयों को ऐसा लगा कि इनको क्या है, न्याय से बिल्कुल पृथक किया जा रहा है, कि एक न्यायाधीश है उसके लिए भी वर्गीकरण कर दिया गया कि तुम इसकी सुनवाई कर सकते हो, इसकी नहीं कर सकते। तो न्याय किसी भी रूप में निष्पक्ष नहीं हो सकता। तो इसलिए इस इल्बर्ट बिल विवाद का क्या किया गया, विरोध किया गया। ठीक है, और इसका केवल भारत में विरोध नहीं हुआ, ब्रिटेन की संसद के अंदर बहुत सारे सांसद थे, उन्होंने भी क्या किया था, इस बिल का विरोध किया था। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों को, इल्बर्ट बिल विवाद यही विवाद था। आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे टेलीग्राम पे। तो चलिए, इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो क्या आता है, सामने आता है। अब इल्बर्ट बिल विवाद के बाद क्या हुआ, राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब आप लोगों को मालूम है 28 दिसंबर 1885 को कब हुई थी, कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा इसकी क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना के साथ ही एक ऐसा संगठन भारत में अस्तित्व में आ गया जो अब राष्ट्रीय स्तर पर सभी का क्या कर सकता था, नेतृत्व करता था, कर सकता था, और इसमें देश के युवाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। देश के युवाओं ने क्या किया, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा की जाती है, और देश के युवाओं के द्वारा इसमें क्या किया गया, बढ़ चढ़ के भाग लिया जाता है। अब देखिए, प्रथम अधिवेशन की मुख्य बातें क्या किया गया, जो राष्ट्रीय इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें तैयार की गई थी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, इसके प्रथम अधिवेशन में प्रारंभिक जो चीज़ें थी उन पर ध्यान दिया गया। जैसे बात करें कि संपूर्ण देश के युवाओं को इससे क्या करना था, जोड़ना था।
दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट था कि जाति पांति धर्म वर्म की जो चीज़ें हैं उनको पीछे छोड़ते हुए सभी को राजनीतिक मंच क्या है प्रदान करना है। इसके अलावा जो राजनीतिक समस्याएं हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर क्या है उठाना है। ठीक है, तो इस प्रकार के अधिवेशन में प्रथम अधिवेशन में क्या हुई बातें हुई किसमें कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ये बातें की जाती हैं। ठीक है, और प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसमें क्या था इस बात के नारे लगवाए गए थे किस बात के नारे लगवाए गए थे महारानी विक्टोरिया के महारानी विक्टोरिया की जय के नारे लगवाए गए थे। याद रखना प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में कांग्रेस ने ये नारे लगवाए थे महारानी विक्टोरिया की जय ऐसे नारे लगाए गए थे। और उस समय जो कांग्रेस थी उसकी भावना अंग्रेजों के प्रति सकारात्मक थी। ठीक है, चलिए अब देखिए उदारवादी आंदोलन। ठीक है, उदारवादी आंदोलन, उदारवादी आंदोलन का काल कब से कब तक माना जाता है? उदारवादी आंदोलन कब से कब तक? 1885 से लेके और 1905 तक उदारवादी आंदोलन का क्या माना जाता है? काल माना जाता है। ठीक है, देखिए ये जो उदारवादी थे ये क्या थे? अत्यंत नरम थे। ठीक है, और ये अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे। इनका जो स्वभाव था वो क्या था? बिल्कुल नरम था। इनका स्वभाव नरम था और ये अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा रखते थे। ठीक है, अंग्रेजों के प्रति क्या रखते थे? श्रद्धा रखते थे। इनका जनता पर अच्छा खासा प्रभाव था, अच्छा खासा प्रभाव था, अच्छा खासा प्रभाव था। ठीक, उदारवादी आंदोलन 1885 से 1905 इनका स्वभाव नरम था, अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा रखते थे, इनका जनता पर क्या था? अच्छा खासा प्रभाव था। अब मैं आप लोगों को कुछ नाम बता रहा हूँ, जैसे दादाभाई नेहरू जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह, मदनलाल, वो क्या नाम है, मोहनलाल घोष। ठीक है, ऐसे लोग क्या थे? उदारवादी आंदोलन के नेता थे। अब देखिए ये लोग क्या हैं? उदारवादी आंदोलन के नेताओं में शामिल हैं। इनके द्वारा अंग्रेजों की नीतियों का ज्यादातर समर्थन किया जाता था, उनके प्रति श्रद्धा भाव जो है वो दिखाया जाता था। दादाभाई नेहरू जी, ठीक, तो ये उदारवादी आंदोलन आप लोगों के सामने। अब देखिए उदारवाद के कारण क्या क्या थे, उदारवाद के पीछे लॉजिक क्या क्या थे, उदारवाद के लिए कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी। देखिए जैसे हम बात करें उदारवाद के कारणों के बारे में, ठीक है, इसको मिटाते हैं और उदारवाद के कारण बताते हैं आपको। उदारवाद के कारणों में ब्रिटिश उदारवाद के कारण, ठीक है, तो उदारवाद के कारणों में क्या था? पहला कारण था ब्रिटिश शासन के प्रति, ब्रिटिश शासन के प्रति श्रद्धा का भाव।
ठीक है, ये जितने भी क्रांतिकारी हुए थे, दादाभाई नेहरू जी हो, सुरेंद्र नाथ जी हो, तो इन लोगों ने ब्रिटिश शासन के प्रति, जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके प्रति श्रद्धा की भावना थी, इसलिए इसको क्या माना जाता है, ये एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। ठीक है, और ये लोग मानते थे कि जो आधुनिक सभ्यता है, जो पाश्चात्य सभ्यता है, इसको केवल अंग्रेज ही प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, आधुनिक सभ्यता को, ठीक। तो इसलिए जो क्रांतिकारी थे उनके साथ उदारवादी नेताओं की बनती नहीं थी। एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि सुधारों पर विश्वास करते थे। किस पर? क्रमिक सुधारों पर विश्वास, क्रमिक सुधारों पर विश्वास। क्रमिक सुधारों पर विश्वास था, यानी कि ये लोग ऐसे मानते थे कि भारत के अंदर जो सकारात्मक विकास किए जा सकते हैं वो अंग्रेजों के द्वारा ही किए जा सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा किए जा सकते हैं? अंग्रेजों के द्वारा ही किए जा सकते हैं, अन्यथा विकास करना क्या है, भारतीय शासकों के बल्कि बस की बात नहीं है। ये लोग आपस में लड़ना झगड़ना ही जानते हैं। ठीक है, तो क्रमिक सुधारों पर क्या करते थे? विश्वास करते थे। तो ये उदारवादी आंदोलन के जो कारण थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि क्रमिक विकासों के समर्थक ये थे। ठीक है, इसके अलावा ये लोग क्या करते थे? सांस्कृतिक बदलावों के संबंध में बात करते थे, सांस्कृतिक संबंधों के बारे में बात करते थे। यानी कि ये लोग ऐसा मानते थे कि जो भारत के अंदर शिक्षा है, व्यापार है, सुख सुविधाएं हैं, वो कौन प्रदान कर सकते हैं? अंग्रेज प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अंग्रेज ही अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, अंग्रेज ही अच्छी सड़क, अच्छा व्यापार, और ये क्या है, विकास कर सकते हैं। तो ये मानना था इन उदारवादियों का। ठीक है, तो इसलिए ये जो ब्रिटेन का आधुनिक मॉडल था उससे क्या थे, प्रभावित थे। तो इसलिए ये भी एक कारण माना गया। और अंग्रेजों का जो न्याय था उस पर भी ये क्या करते थे, विश्वास करते थे। अंग्रेजों के बारे में इनका मानना ये था कि अंग्रेज जाति धर्म इसको देखकर न्याय नहीं करते, वो एक मानव को देखकर न्याय करते हैं। इसलिए न्याय क्या है, सर्वदा इनके सामने न्याय के समान है। इसलिए ये उम्मीद करते थे कि अंग्रेज जो न्याय करते हैं वो सकारात्मक न्याय करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो इससे आगे हम कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कराएंगे। इसकी जो PDF है, मैंने ये करा दिया है, इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। ठीक है, कहाँ से ज्वाइन करना है? टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है SSHIN सचिन, SIR सर, HISTORY हिस्ट्री। ठीक है, सचिन सर हिस्ट्री के नाम से सर्च करना है, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।